मिनट है। सिंथेटिक नाइट्रोजन देखा जाए कहाँ मिलता है, ज्यादातर हाइड्रोजन जनरली एटमॉस्फेयर में। जनरली एटमॉस्फेयर में मिलेगा, 78% होता है नहीं बाय वॉल्यूम। बाय वॉल्यूम एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर का नहीं, अगर देखा जाए यार कृष्ण एयर क्रस्ट में अगर मिलता है तो ये दो रूप में मिलता है। एक नाम पूछा जाता है, एक चिली साल्ट पीटर है और एक इंडियन साल्ट पीटर। चिली साल्ट पीटर का क्या नाम है, मतलब फॉर्मूला? ये याद रहना चाहिए, चिली साल्ट पीटर, दूसरा इंडियन साल्ट पीटर। चिली साल्ट पीटर जो सोडियम नाइट्रेट रहेगा, NaNO3, ठीक है। और इंडियन साल्ट पीटर क्या हो जाएगा, पोटेशियम नाइट्रेट हो जाएगा। बस ये तो अगर देखा जाए इसमें सारे तरह के पाए जाएंगे, जैसे ये देखा जाए दो क्या है, नॉन मेटल है, नॉन मेटेलिक करेक्टर है, ठीक है। और अगर ये दोनों देखा जाए, कौन सा, आर्सेनिक और एंटीमनी, मेटल ठीक है। मतलब वो हो गए ना, मेटलॉइड ये वो हो गए बीच के मेटलॉइड हो रहते जाएगा, मेटल लगे। मेटलॉइड हो जाएगा, मेटलॉइड बोलेंगे। ठीक, और इधर वाले तो कह सकते हैं मेटेलिक नेचर के, मेटल, टिपिकल मेटल, ठीक। तो इसके अलावा देखा जाए इस ग्रुप में एक फार्मूला दिया रहता है, ये सब फास्फोरस कैसे मिलता है, फास्फोरस अकर कहाँ पे पाया जाता है, यहीं पे लिख देते हैं, बीच में है जगह। फास्फोरस किस तरह से मिलता है नेचर में, जैसे हम लोग हड्डी वगैरह में भी फास्फोरस होगा ना, तो अकर्स मिनरल एपेटाइट फैमिली के रूप में पाया जाता है। और एपेटाइट एक कॉमन फैमिली होता है, कभी कभी पूछा जाता है, जैसे CA9, P4, O6 और डार्ट CAX2, ठीक है। ये क्या है, एपेटाइट फैमिली है। और एक्स क्या है, यहाँ पे एक्स हो सकता है हाँ क्लोरीन, क्लोरीन या मतलब कि ओ एच, इतना चीजें हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको जैसे फ्लोरो एपेटाइट पूछा जाए, फ्लोरो एपेटाइट, तो क्या हो जाएगा, यहाँ एक्स लगा था, एफ लग जाएगा, नहीं CA9 PO4 O6 और डॉट CA2, ठीक है। इस तरह से फार्मूला बन जाएगा। अब इसके बाद
इसमें जनरल करेक्टरिस्टिक तो आप जानते ही हैं, एन एन एस टू और NP3 होगा कि नहीं, NH2 और NP3 होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं एटॉमिक है आयनिक रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई। डॉगी जी लग लिया क्या? अरे वो सर मैं म्यूट कर लेता हूँ। अरे नहीं, कोई नहीं, इतना तो चलता है। एटॉमिक है आयनिक रेडियाई। इसमें देखा जाए पहले तो नाइट्रोजन टू फास्फोरस क्या होगा, इंक्रीज होगा, जैसे इंक्रीज होगा कंसिडरेबल। अगर देखा जाए आर्सेनिक टू Bi ओनली स्मॉल इंक्रीज, Bi इंक्रीज तो होगा लेकिन ओनली स्मॉल इंक्रीज, ठीक है। क्यों ऐसा? ड्यू टू डी एंड एफ की वजह से कंप्लीट। वो शील्डिंग फील्ड डी एंड एफ एक्सेप्शन नहीं है, बस आपको स्लो इंक्रीज होगा बस। दूसरा आयनाइजेशन एंथैल्पी आता है। अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी देखा जाए तो यहाँ पे 14 ग्रुप से ज्यादा होगा, ये तो रूल के अकॉर्डिंग है। नहीं, 16 ग्रुप से भी ज्यादा होगा। क्यों? फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी क्योंकि कि हाफ पी फिल्ड पी है। हाफ फील्ड है, पी ऑर्बिटल। पी हाँ, तो इट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगा तो कह सकते हैं बिकॉज एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल। तो कह सकते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी 14 ग्रुप एलिमेंट क्या होगा ग्रेटर देन 15 ग्रुप, 14 ग्रुप से ज्यादा होगा और 16 ग्रुप से, ठीक है। तो लगा ही सकते हैं बस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगा डाउन द ग्रुप। डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। जो भी एक्सेप्शन ज्यादातर था कौन सा, मतलब 13 ग्रुप में, क्योंकि और वहां पे ट्रांजिशन एलिमेंट आ जाता है कि नहीं, बड़ा सा फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में देखा जाए तो वही है मेटलॉयड वाला चीज तो बता दिया ऊपर, मेल्टिंग करेक्टर इंक्रीज डाउन द ग्रुप, ठीक है। और यहाँ पे बॉइलिंग जनरली इंक्रीज टॉप टू बॉटम बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, इंक्रीजेस इन ग्रुप। मेल्टिंग पॉइंट में थोड़ा सा चेंजेज होगा
मेल्टिंग पॉइंट में क्या क्या होगा? इंक्रीज करेगा अप टू आर्सेनिक एंड देन डिक्रीज करेगा, इंक्रीजेस अप टू आर्सेनिक एंड देन डिक्रीजेस अप टू इसमें, ठीक है ये। और यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है ये, एक्सेप्ट नाइट्रोजन, ये पहले भी क्वेश्चन लगाते वक्त कर चुके हैं। नाइट्रोजन, ऑल द एलिमेंट दिस ग्रुप क्या बनाएगा? सो एलोट्रॉप, सारे इस ग्रुप में एलोट्रॉप बनाएंगे, नाइट्रोजन नहीं बनाएगा, ठीक। केमिकल प्रॉपर्टी में आ जाते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी में देखा जाए तो आपका बहुत नहीं, हमने रेंज बताया था, वो कौन सा रेंज पता है? ऑक्सीजन वाला, ऑक्सीडेशन नंबर वाला रेंज, वही रेंज यहाँ पे भी लगेगा, यानी कि मिनिमम कितना हो जाएगा? -3 हो जाएगा, +5 हो जाएगा, और -1, 0, प्लस नहीं, वन, +1 और +3। हाँ इतनी पॉसिबिलिटी होती है। तो यहाँ पे देखा जाए कॉमन, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करा जाए, ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमन अगर पूछा जाए कोई, तो ये तो रेंज है, तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3, -3 भी ज्यादातर होता है, एंड +3 एंड +5 यही होगा। तो रिएक्टिविटी इसी के बेस पे डिपेंड करती है, आप जानते हैं किसके? कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट के बेस पे। तो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, टुवर्ड्स हाइड्रोजन, हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा तो किस टाइप का एलिमेंट बनाएगा? हाइड्राइड बनाएगा, मतलब कि अगर देखा जाए इसमें ऑल एलिमेंट ग्रुप 15 हाइड्राइड फॉर्म करेगा, हाइड्राइड और किस टाइप का हाइड्राइड? ES3, सब ई में फॉर एलिमेंट हो गया, जैसे कार्बन आप देख सकते हैं इसमें बनेगा NH3, PH3, ASH3, SBH3, BH3, जैसे अमोनियम हो गया, फास्फीन हो गया, आर्साइन हो गया, स्टेबाइन हो गया, बिस्मिथिन हो गया, इसका नाम होता है, ठीक है। तो इसमें देखा जाए तो क्योंकि NH3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, NH3 में ड्यू टू एच बॉन्डिंग, इसी में होगा ना, तो कह सकते हैं ये दोनों स्टेट में पाया जा सकता है, सॉलिड में, सॉलिड एज वेल एज लिक्विड, ठीक है। मतलब बहुत ज्यादा इसका क्या सॉल्युबिलिटी इफेक्ट होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं ऑर्गेनिक में।
तो अगर देखा जाए इसमें हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट किसका हो जाएगा? ऊपर से का नीचे कम होगा। कम मेल्टिंग पॉइंट तो मतलब डिपेंड करता है बॉइलिंग पॉइंट मॉलिकुलर मास पे, लेकिन अगर देखा जाए इसमें मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड हम लिख देते हैं। मेल्टिंग पॉइंट पहले बॉइलिंग पॉइंट लिखते हैं। बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट अगर देखा जाए सब में सबसे ज्यादा क्या होगा किसका? NS3 BIS3, BIH3 का, ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन बॉन्ड नहीं आ रहे, सॉरी हाइड्रोजन बॉन्ड NS3 में। हाँ इतना इतना थोड़ी इंक्रीज कर लेगा यार। मॉलिकुलर मास पे डिपेंड करता है, आप पहले से पढ़ चुके हैं, ठीक है, वही ट्रेंड लिखने जा रहे हैं। सबसे ज्यादा तो BIS3, ठीक, SB हाँ, उसके बाद SB3, उसके बाद आपका कौन सा हो जाएगा? NH3, ठीक, उसके बाद किसका हो जाएगा? AS3, उसके बाद फॉस्फोरस। PH3, यानी कि PH3 सबसे फास्फेन सबसे कम होगा, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट में आ जाइए, मेल्टिंग पॉइंट में तो इसमें सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा? अब ये NH3 का हो जाता है ज्यादातर। और कह सकते हैं इससे पहले लगाना हो तो वैसे ऑर्डर में तो नहीं दिया है ज्यादा, लेकिन अब BIS3, लेकिन इसको एक्सक्लूड करके रखिएगा, ये देते नहीं है पता नहीं क्यों, ठीक है। तो सबसे ज्यादा NH3, उसके बाद किसका हो जाएगा? SBS3, ठीक, उसके बाद AS3, उसके बाद किसका हो जाएगा? PH3 सबसे कम, बस ये याद रखना, सबसे कम किसका जाते होता है? सर इसका NH3। तो बाकी सारे वो सॉलिड में एग्जिस्ट नहीं करते क्या? सर करते हैं क्या? नहीं करते हैं, क्या आपने ऊपर से अलग क्यों लिखा हुआ है? करते हैं? अलग से क्यों लिखा है? ये इसके लिए है, मतलब कि जैसे गैसियस में होता नाइट्रोजन है, लेकिन हाइड्रोजन की बॉन्डिंग की वजह से सॉलिड एज वेल एज लिक्विड में हो सकता अच्छा, वरना है गैस ये। और लिक्विड में होता। हाँ, नहीं तो गैसियस होता है ना, हाइड्रोजन की कितना मास होगा? ज्यादा नहीं होगा, मास स्टेट भी मास पे डिपेंड करता है ना, इसलिए मैंने लिखा थर्मल स्टेबिलिटी। तो सर थर्मल स्टेबिलिटी का आर्डर हम लोग पहले भी लिख चुके हैं, एक ही जगह फिर लिख देते हैं ग्रुप में। ये थ्री जिससे कम होगा एक ही एडिशन जगह, म्यूजिक। बेसिक करेक्टर, बेसिक बेसिक कैरेक्टर कम करेक्टर, होगा नीचे। SBS3, रिड्यूसिंग नेचर, वो भी रिड्यूसिंग नेचर इंक्रीज होगा BIS3 सबसे ज्यादा, SBS3, उसके बाद यस ESS। यहाँ एक्सेप्शन नहीं है, याद रखना बहुत आसान है। और हम लोगों को बॉन्ड एंगल इसमें पूछा जाता है, बता सकते हैं बॉन्ड एंगल और डाइपोल मोमेंट किसका? इसी में आर्डर, बॉन्ड एंगल बॉन्ड एंगल में आर्डर मतलब ये बॉन्ड एंगल ई
एच जो बनेगा। अलोन फिर होगा सर। हम्म, वो होता है ना इसका तो वन ऑर्डर बताना है बस। NH3 जीरो सेवन और डिग्री तो उसका होगा NH3 का। मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक एक्टिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना बॉन्ड एंगल, हाँ तो ये डिक्रीज होता जाएगा टॉप टू बॉटम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और एस कैरेक्टर के। हाँ डाइपोल मोमेंट डाइपोल मोमेंट भी इसी पे डिपेंड करेगा, टॉप टू बॉटम क्या होगा, डिक्रीज होगा। NH3 PH3 AsH3 और SbH3, ये तो हाइड्रोजन वाला होगा रिएक्टिविटी। हाँ रिएक्टिविटी टूवर्ड्स ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के रिएक्टिविटी, ठीक है। अब रिएक्टिविटी टूवर्ड्स ऑक्सीजन क्या होगा, फ्रॉम टू टाइप, यहाँ ऑक्साइड बनेगा, टू टाइप का ऑक्साइड बनेगा किसके अकॉर्डिंग, ऑक्सीडेशन नंबर के अकॉर्डिंग बनता है रिएक्शन, तो टू टाइप ऑक्साइड फॉर्म होगा। इस ट्राई ऑक्साइड एक पेंटोक्साइड, ठीक है, क्योंकि +3 था एंड +5 था, तो फाइव दो तरह के ऑक्साइड कौन कौन से, एक तो हमारे पास E2O3 और दूसरा क्या बन जाएगा, E2O5, ठीक है। एसिडिक करेक्टर क्या होगा, डाउन द ग्रुप क्या होगा, डिक्रीज होगा ऑक्साइड का एसिडिक करेक्टर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है, था डिक्रीजेस ऑन इन द ग्रुप, ग्रुप में जाने पे क्या होगा, डिक्रीज होगा किसका, ऑक्साइड का। जैसे मान लीजिए N2O3 हो गया, ठीक है, और P2O3 हो गया और AS2O3 हो गया, SB2O3 SB2O3, A2O3 Bi2O3। तो इसमें देखा जाए तो ये दोनों क्या होंगे, एसिडिक नेचर के ज्यादा। होंगे, एसिडिक ऑक्साइड होंगे, हाँ ये दोनों क्या हो जाएंगे, एम्फोटेरिक हो गए। एम्फोटेरिक बहुत पूछा जाता है भाई, और इधर आ जाइए तो ये बेसिक ऐसे होगा। ठीक है, अब दूसरा रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हैलोजन, ठीक है, टूवर्ड्स हेलोजन, तो इसमें आप जानते हैं बहुत फेमस है हेलोजन की रिएक्टिविटी, तो इसमें भी टू टाइप का हैलाइड फॉर्म होगा, जैसे ऑक्साइड टू टाइप हैलाइड, टू टाइप हैलाइड अकॉर्डिंग टू ऑक्सीडेशन स्टेट, कौन कौन सा, एक क्या होगा EX3 हो जाएगा और दूसरा EX5 हो जाएगा। नाइट्रोजन तो EX3 कौन नहीं बनाएगा भाई, नाइट्रोजन बनाएगा, एक सेकेंड से बनाएगा। क्यों बनाएगा, EX3 बनाएगा और EX5 EX5 नहीं बना क्यों नहीं बनाएगा, जब वो नहीं होते ना उसके
वो वीक इंडिया पर। बस यही आंसर है। तो यहाँ पे देख सकते हैं वही क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, ट्राई हलाए देखा जाए सभी बनाएगा। तो कह सकते हैं ये वाला ऐसे बना देते हैं। यही पे लिख देंगे नीचे, तो ऑल द ट्राई है लाइट स्टेबल होता है एक्सेप्ट, बता सकते ऑल द ट्राई है लाइट एक्सेप्ट दोज या नाइट्रोजन आर स्टेबल, सारे ट्राई हैलाइड स्टेबल हो गए। कह सकते हैं NF2 इज द ओनली ट्राई NF2, नहीं कह सकते हैं NF2 नहीं NF3, ओनली ट्राई हैलाइड क्या होगा ऑफ नाइट्रोजन स्टेबल, मतलब कह सकते हैं ये नॉन है जो स्टेबल है टू बी स्टेबल, बाकी सबके ट्राई हैलाइड स्टेबल हो गए। और यहाँ पे देखा जाए तो सारे ट्राई हैलाइड क्या है कोवेलेंट नेचर होते हैं, और ट्राई हैलाइड आर प्रीडोमिनेंटली तो बाकी सारे हैलाइड स्टेबल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे नहीं होते? अच्छा, और सारे होते हैं ये नहीं होता, कौन सा नहीं होता? लिखा तो है नाइट्रोजन एनएफ नहीं, की बात कर रहे हो, फिर आप उसकी बात कर रहे हो? बता रहे हैं तो आपने ये कहा ना कि NF3 ही स्टेबल होता है सर। केवल मतलब नाइट्रोजन का NF3 स्टेबल होता है, बाकी कोई नहीं स्टेबल होता, मतलब NCl3 नहीं होगा NClI नहीं होगा, ये मैंने लिखा अच्छा, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से होता है फिर। है। हाँ मतलब कि यहाँ पे बोल रहा है ऑल ट्राई हैलाइड एक्सेप्ट नाइट्रोजन आर स्टेबल, मतलब सारे ट्राई हैलाइड मतलब चाहे आप PCl3 ले लिए ठीक है या AsCl3 ले लिए सब स्टेबल है, लेकिन नाइट्रोजन का NCl3 स्टेबल नहीं होगा। नाइट्रोजन में केवल नॉन जो ट्राई हैलाइड मिलता है नेचर में वो NF3, वो NF3 केवल स्टेबल मिलता है, ये हमने लिखा। कोई रीजन है इसका? रीजन बहुत बड़ा है, रीजन मुझे पीछे मत पड़िए, इतना तो याद ही रखना पड़ेगा, समझ रहे हैं? बताइए रीजन लॉजिकली पढ़ ही चुके हैं सारा। क्या तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का लग रहा है, थी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऐसा लग रहा है मेरे को तो, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगा? क्योंकि वो नाइट्रोजन नहीं, वैसे ये तो नहीं होना चाहिए। एक सेकंड से सोचने दो। देखिए इसमें कुछ ज्यादा नहीं रहता, जैसे इलेक्ट्रॉनिक नेगेटिविटी तो दोनों की हाई है,
और ऑलमोस्ट देखा जाए तो दोनों मतलब साइज में भी बहुत बड़े छोटे नहीं है। और बाकी हैलाइड में क्या होता है कि इसलिए NCL3 कह सकते हैं। NCL तो मतलब ऐसा होता है कि एक्सप्लोसिव नेचर का भी होता है, ठीक है, बम बनाने के लिए भी यूज होता है, ठीक है। लेकिन मतलब इसमें आप अगर रीजन देना है तो कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट सिमिलर साइज के हो जाते हैं, इसलिए कॉम्पैक्ट हो जाते हैं। और बाकी क्योंकि नाइट्रोजन की साइज छोटी है, सीएल की बहुत बड़ी है, तो उतना मतलब बॉन्डिंग नहीं हो पाता कोवेलेंट बॉन्ड जैसे। मतलब क्योंकि यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादातर बनेगा, तो कोवेलेंट बॉन्ड का नेचर है कि मतलब अपने बराबर वाले में शेयरिंग होगा, ऐसा नहीं बहुत धनी वाला और बहुत गरीब वाला शेयरिंग ये नहीं होता है। बस यही रीजन है साइज की वजह से, और कोई रीजन यहाँ पे नहीं है। देखिए फर्स्ट ग्रुप का जो भी एलिमेंट है अगर कुछ नहीं आ रहा है, क्यों दिक्कत हो रहा है, दो एक ऑर्बिटल एब्सेंट और दूसरा कह सकते हैं साइज की वजह से। बार बार लिखते हैं, अभी फिर लिखेंगे, बस आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक है। आप देखें इसमें क्या लिखेंगे, सारे पेंटाहैलाइड बनाएंगे, ऑल एक्सेप्ट एलिमेंट नाइट्रोजन। को एक्सेप्ट नाइट्रोजन, ऑल एलिमेंट दिस ग्रुप फ्रॉम पेंटाहैलाइड। अब क्यों एक्सेप्ट नाइट्रोजन, अब क्यों, सेकेंड ईयर इनटू पर था बिकॉज एब्सेंट क्या होगा, सेकेंड ईयर 5 बॉन्ड बैलेंस से। डी ऑर्बिटल कितनी मैक्सिमम कोवेलेंसी नाइट्रोजन की हो सकती है, फोर हो गए, पढ़ चुके हैं और उधर ग्रुप में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब एलिमेंट प्लस 5 ऑक्सीडेशन स्टेट मोर पोलराइजिंग होगा देन +3, ठीक है। तो यहाँ पे लिख रहे हैं कि एलिमेंट इन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर पोलराइजिंग, तो मोर पोलराइजिंग होगा तो मोर क्या होगा बताइए, सर पोलराइजिंग मोर पोलराइजेशन होता है तो क्या होता है, हाँ डाइपोल मोमेंट मतलब पोलराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कोवेलेंट बॉन्ड के फजान रूल। यहाँ पे कह सकते हैं पेंटा हैलाइड जो भी रहेगा तो मोर हमारे पास क्या होगा, कोवेलेंट इन नेचर। मोर पेंटाहैलाइड, बस हमेशा जैसे मान लीजिए पूछा जाता है कि कोवेलेंट में, कोवेलेंट बॉन्ड कौन ज्यादा हो गया, तो कह सकते हैं PCl5 मोर कोवेलेंट होगा PCl3 से, ठीक एक क्वेश्चन लग लिया, ठीक है। ये तो हैलाइड हो गया, रिएक्टिविटी 2s मेटल टूवर्ड्स मेटल, मेटल के रिएक्टिविटी ठीक है, मेटल की रिएक्टिविटी बताइए, मेटल से ऑल
एलिमेंट क्या करा रिएक्ट विद मेटल, क्योंकि नॉन मेटल है, मेटल से रिएक्ट करेगा, ठीक है। ऑल एलिमेंट रिएक्ट विथ मेटल टू फॉर्म देयर बाइनरी कंपाउंड। और कह सकते हैं एग्जिबिटिंग क्या देगा, -3 ऑक्सीडेशन। अब प्लस तो देगा नहीं, क्योंकि मेटल से रिएक्ट कर रहे हो, वो मेटल ऑलरेडी इनसे ज्यादा पॉजिटिव हो गया कि नहीं। तो मैंने जो हमारे पास माइनस वाला जो ऑक्सीडेशन है मेटल वाले में आ जाएगा, जैसे एग्जांपल C3N2 हो गया, कैल्शियम नाइट्राइड एक एग्जांपल हो गया। इसमें देखा जाए तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा, -3 आ रहा, ठीक हाँ है। चलिए ये हो गया। अब इसमें वही चीज है, एनोमिलस प्रॉपर्टी हम लोग लास्ट में पढ़ते हैं, ठीक है। क्यों बताइए, पढ़ा चुके हैं, मैंने बोला था हर ग्रुप में वही पढ़ेंगे जो फर्स्ट पहले ग्रुपों में पढ़ चुके हैं। एनोमलस बिहेवियर नाइट्रोजन करेगा, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट है ग्रुप का, तो क्यों करेगा, ड्यू टू किसकी वजह से, ड्यू टू स्मॉलर साइज, स्मॉल साइज विथ हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। और क्या कह सकते हैं, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, इंथैल्पी, हाँ हाई एंड लास्ट में नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल। यही तीन चार जो हम आंसर लिख रहे हैं, चार ही आपको याद रखना हर ग्रुप के लिए, फर्स्ट एलिमेंट के लिए, ठीक है। तो इसके वजह से यहाँ पे कुछ करेक्टरिस्टिक है इसका, जैसे नाइट्रोजन है यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म पी पाई बॉन्ड, ठीक है। नाइट्रोजन हैज यूनिक एबिलिटी इटसेल्फ टू फॉर्म क्या बना लेता, बंड बनता है ना, मल्टीपल बंड, बॉन्ड्स विथ इट सेल्फ एंड क्या बनाएगा, विथ अदर एलिमेंट हैविंग स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। जैसे एग्जांपल किसके साथ बनाएगा, कार्बन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, जिसके साथ ज्यादा हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी उसके साथ ट्रिपल बॉन्ड बना लेता है। नहीं, हाँ ऑर्गेनिक में भी पढ़ चुके हैं। दूसरा, यहाँ पे जो हैवियर एलिमेंट है वो पी पाई बॉन्ड नहीं बनाते, क्यों नहीं बनाते हैं, नाइट्रोजन ही क्यों बना रहा है, मीन्स ऑफ दिस ग्रुप डू नॉट फॉर्म पाई मल्टीपल बॉन्ड।
people and their atomic orbital. Are so large and diffused that they cannot effectively overlap. देखिए, अब छोटा सिलेबस हो गया इस चैप्टरों का, तो जितना भी वर्ड है तो हमें भाई बताना पड़ेगा, कुछ स्किप नहीं कर सकते क्योंकि उसी में से आना है। ठीक। हाँ और बॉन्ड एंथैल्पी देखा जाए, जो नाइट्रोजन की होगी बहुत ज्यादा होती है, जैसे बॉन्ड एंथैल्पी अगर देखा जाए, सिंगल बॉन्ड एंथैल्पी जैसे नाइट्रोजन नाइट्रोजन की, उसके बाद फास्फोरस फास्फोरस के, फिर आर्सेनिक आर्सेनिक के, SB की बॉन्ड एंथैल्पी का ऑर्डर। ठीक। अब इसमें कह सकते हैं ये बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है, बॉन्ड एंथैल्पी। तो यहाँ पे लास्ट में कह सकते हैं नाइट्रोजन भैया ये नहीं बना सकते, नहीं क्या नहीं बना सकता है, कैन नॉट फॉर्म डी पाई, क्यों, क्योंकि उसके पास डी ऑर्बिटल नहीं है। ऑर्बिटल्स। हाँ बॉन्ड आज दे हैवियर एलिमेंट ये बनाएंगे, तो ये तो मतलब ऐसे ही हो जाएगा। तो ये आपका ग्रुप क्या था, 15 था, ठीक है। अब सिक्सटीन ग्रुप 16, हाँ, अगर देखा जाए ग्रुप 15 जो था, इसे कौन सा एलिमेंट बोलते हैं, पहले हम लोग पढ़ चुके, नाम बताइए। 15 में नाइट्रोजन वगैरह आता है। निकोजन बोलते हैं, निकोजन निकोजन, ठीक है। और ग्रुप 16 को क्या बोलते हैं, ग्रुप कैल्कोजन सिक्स बोलते हैं। कैल्कोजन मतलब कि ओर फॉर्मिंग एलिमेंट। ऑक्सीजन से कैल्कोजन बोला जाता है, कैल्को जन, और कैल्कोजन मतलब क्या होता है, मींस ओर फॉर्मिंग एलिमेंट, मतलब इसी में से जैसे ऑक्साइड और मिल जाता है, कार्बोनेट और मिलता है, सल्फाइड और मिलता है, तो इसी में आते हैं। इसके मेंबर कौन कौन से हैं, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हो सल्फर, गया, सेलेनियम, सल्फर, सल्फर हो सेलेनियम, गया, सेलिनियम हो गया, टेलिनियम हो गया, पोलिनियम हो गया, और लेबर इसका बोरियम हो सही। गया, हाँ, एल लेवर बी बोरिया जी 116, ठीक सुना, याद है, है। लेबर बोरियम, तो ये याद रहना चाहिए। तो इसमें देखा जाए तो अगर ऑक्सीजन देखा जाए तो फर्स्ट एलिमेंट है, ऑक्सीजन कहाँ पाया जाता है पता ही है, कहाँ पाया जाएगा, अगर अर्थ क्रस्ट में देखा जाए तो मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है अर्थ क्रस्ट का, मोस्ट अबंडेंट अर्थ क्रस्ट में कितना पाया जाता है, ऑक्सीजन कितना पाया जाता है, जितना नाइट्रोजन होता है यूरिया में, कितना नाइट्रोजन होता है यूरिया में परसेंट, 46.6%, ठीक है। ये दूसरा, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन कितना, ड्राई एयर में कह सकते हैं, एयर कंटेंट 20.946,
परसेंट क्या होगा? ऑक्सीजन ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम, एग्जैक्ट एटमॉस्फेयर में जितना पाया जाता है। और सल्फर देखा जाए तो ज्यादातर किस रूप में मिलता है? या तो जिप्सम के रूप में मिलता है या गैलेना के रूप में मिलता है। नहीं, जिप्सम के रूप में। जिप्सम का फार्मूला क्या है? जिप्सम एंड गैलेना के रूप में। जिप्सम और गैलेना। ये H2 H2O होगा क्या? अरे भाई तो कॉन्फिडेंस बोलिए। CaSO4.2H2 ये टू H2 और गैलेना के क्या होता है? PbS होता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा, जहाँ टू है। वन एंड वन हाफ। CaSO4 हाफ H2O। पोलिनियम अगर देखा जाए तो डी के प्रोडक्ट में ज्यादा मिलता है, जैसे मतलब थोरियम और यूरेनियम। जब डी के होता है तब पोलिनियम ज्यादा मिलता है, अगर पोलिनियम के बारे में पढ़ेंगे तो। ठीक है। वैसे ज्यादा नहीं मिलता। अब आ जाते हैं हम लोग इसके एटॉमिक और आयनिक रेडियाई। अकरेंस तो हो ही गया, कल्कोजन होता है ज्यादातर। ठीक है। और पोलोनियम मतलब डी के मटेरियल के रूप में मिलता है, याद रख सकते हैं। किस रूप में? डी के मटेरियल के रूप में। ठीक है। और भी यहाँ पे कह सकते हैं, जैसे सल्फर भी ट्रेसेस अमाउंट में मिलता है आपको, मतलब अर्थ क्रस्ट में सल्फर कितना मिलता है? सल्फर क्रस्ट में बहुत हम्म, कम मिलेगा, 0.00 कुछ। हाँ, अगर देखा जाए अर्थ क्रस्ट में, अगर सल्फर की बात कर रहे हैं, सेलेनियम वगैरह की बात नहीं कर रहे हैं इसकी। ठीक है। यहाँ पे 0% हो सकते हैं। बहुत कम, मतलब कि अर्थ क्रस्ट में सल्फर 0.03 to 0.1%। इसमें और भी याद रख सकते हैं, जैसे जिप्सम हो गया, इप्सम हो गया। इप्सम का फार्मूला भी याद रख सकता है। इप्सम साल्ट क्या होगा भाई? MgSO4.7H2O। ठीक है। बेराइटा भी याद रख सकते हैं, ये सब फार्मूला ही पूछ लेते हैं। बेराइटा BaSO4 होता है। ठीक है। और भी आ जाइए, पर ये सब गैलना तो उसमें था वगैरह ना, मेटलर्जी वाले चैप्टर में। यहाँ पे भी दिया है, बुक में दिया है, तो मेटलर्जी तो है नहीं, तो यहाँ से पूछ लेगा तो कोई गुनाह नहीं रहेगा। आप लोग तो कॉपर पायराइट, आप बुक पढ़े, एनसीईआरटी का बुक पढ़िएगा तो मिलेगा। CU या फिर जो दिया है उतना तो याद ही रखना पड़ेगा। और जब वेल्कनो उठता है तो उसमें सल्फर भी बहुत सारा मिलता है। सल्फर कंटेंट जानते हैं कि हम लोग हेयर में, एग में, सब जगह पाया जाता है। प्रोटीन का एक कंस्टिट्यूएंट होता है। ठीक है। और देखा जाए पोलिनियम जो है, पोलिनियम के बारे में, पोलिनियम ज्यादातर किसमें? डी के प्रोडक्ट में मिलता है। यहाँ पे लिख दे रहे हैं, पोलिनियम अकर इन नेचर एज ए डी के प्रोडक्ट। डी के प्रोडक्ट मतलब जब उसका ब्रेक डाउन होता हैवी एलिमेंट का, तब आप थोरियम हो गया, जैसे थोरियम एंड यूरेनियम का ब्रेक डाउन होता है तो हमें पोलिनियम मिलता है। आप फिजिक्स में पढ़े होंगे, या तो वहां पे ब्रेक डाउन दिखाया जाता है रेडियो एक्टिव।
और लेबर बोरियम तो वही है, रेडियो एक्टिव, सिंथेटिक रेडियो एक्टिव है, ठीक है। एटॉमिक मास अगर देखा जाए 292 होगा लेबर बोरियम के, और इसका देखा जाए लाइफ स्पेन क्या होता है, बहुत स्मॉल होता है लेबर बोरियम का, तो ये सब आप देख सकते हैं। अब चलते हैं एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई देखा जाए ड्यू टू इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल, तो एटॉमिक रेडियाई टॉप टू बॉटम क्या होगा, इंक्रीज होगा इन ग्रुप इंक्रीज, क्यों इंक्रीज होता है बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। ड्यू टू नंबर ऑफ सेल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा, डिक्रीज होगा ड्यू टू इंक्रीज इन साइज, कोई एक्सेप्शन अब यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि काफी दूर आ गया है अभी। तो यहाँ से क्वेश्चन भी इस रूप में तो नहीं मिलता। तो डिक्रीजेस इन ग्रुप या टॉप टू बॉटम, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा, थर्ड पीरियड का ऊपर से क्या होता है, नीचे डिक्रीज होगा। कंटिन्यूअसली। बहुत सारे एक्सेप्शन होंगे, कौन सा एक्सेप्शन है, उसमें ठीक आएगा। हाँ एसटी में जी। जब पहले तो डिक्रीज होगा, उससे क्या कहते हैं ऑक्सीजन से, उसमें सल्फर में, फिर एसी में इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे बिकॉज ऑफ द कॉम्पैक्ट नेचर ऑफ ऑक्सीजन एटम, लेस निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन सल्फर, यही होता है ना। तो बिकॉज कॉम्पैक्ट नेचर, स्मॉलर साइज की वजह से, ऑक्सीजन एटम इट हैज लेस निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। Again. Then sulfur. तो अगर देखा जाए तो जो सल्फर का होगा, सल्फर ऑनवर्ड द वैल्यू अगेन बिकम लेस निगेटिव अप टू पोलोनियम तक होता है, लेस निगेटिव, ठीक है। तो अगर देखा जाए इसमें ऑर्डर इस रूप में, टेलिनियम सेलेनियम में ऑर्डर के रूप में लिख दे रहा हूँ, ऐसा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। होगा विदाउट एक्सेप्शन। डिक्रीजेस इन ग्रुप। उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टी आ जाते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी में देखा जाए तो कौन आ जाएगा,
ऑक्सीजन जैसे सल्फर है नॉन मेटल है, सिलिनियम टेलिनियम क्या है मेटलॉइड है, पोलिनियम क्या होगा मेटल हो जाएगा कि नहीं, अगर ऑक्सीजन देखा जाए सल्फर उसके बाद ऑक्सीजन सल्फर उसके बाद कौन एलिमेंट होता है, और सिलिनियम हो गया ऐसी और की जेरेनियम हो गया परिस्थिति पोलिनियम हो, हो गया। हाँ तो ऑक्सीजन सल्फर क्या होता है, नॉन मेटल होता है जानते हैं। मेटल और ये मेटलॉइड्स, दोनों मेटलॉइड मेटलॉइड हो गए ठीक है, और ये दोनों अच्छे, उधर बाकी बाकी मेटल होंगे। मेटल हो जाएगा ठीक है। तो ये तो हो गया आपका फिजिकल पार्ट। अगर देखा जाए इसमें मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ठीक है। जो हाँ रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं वो ऑलमोस्ट सारे मेटल्स ही होंगे ना, सारे मेटल ही हैं। और वो नोबल गैस वाली जो थी क्या आर्यन था ना, वो भी उसको भी मेटल ही मानेंगे। मेटेलिक रहता होगा। मेटालिक गैस है वो। ऑल द वैसे तो नॉन मेटल करेक्ट ही ज्यादा, क्योंकि वो रिएक्ट ही नहीं करता ना, रिएक्शन हाँ सर, वो तो नोबल गैस हो। रिएक्शन ही नहीं करता। पोलिनियम का जो हाफ लाइफ होता है आपका 13.8 डे होता है पूरे दिन का। ऑल दीज एलिमेंट यहाँ पे क्या करेगा, दीज एलिमेंट एग्जिबिट किस फॉर्म में, एलोट्रोप, एलोट्रोपी बनाते हैं ठीक है। अगर देखा जाए द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज विथ इंक्रीज एटॉमिक नंबर डाउन द ग्रुप। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीजेस ग्रुप क्यों, क्योंकि मास बढ़ता है। लेकिन द लार्ज डिफरेंट बिटवीन मेल्टिंग पॉइंट ऑक्सीजन एंड सल्फर, बट डिफरेंस किसमें, ऑक्सीजन सल्फर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ऑक्सीजन एंड सल्फर क्यों, ड्यू टू मोबाइल एटॉमिक सही सिस्टम। यूज और डिवेबल नहीं होता। कह सकते हैं एक्सप्लेन अगर करेंगे तो एटॉमिक सिटी बोल दें, बात वही है। तो जैसे ऑक्सीजन कैसा एटॉमिक सिटी होता है, ऑक्सीजन कैसा एग्जिबिट रहता है O2 के फॉर्म में, और सल्फर SO2 सल्फर सल्फर पॉली एटॉमिक के रूप में रहता है हमेशा, बहुत लार्ज या सेट के रूप, इसलिए बहुत ज्यादा डिफरेंट हो जाता है, एसेट ही होता है सल्फर, SO2 नहीं होता ठीक है। तो ये हो गया ऐसे। अब आ जाते हैं हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी पे। केमिकल प्रॉपर्टी में देखा जाए तो वही ऑक्सीडेशन स्टेट ही ट्रेंड होगा ना, उसी के ट्रेंड पे ही सारा वेरी करेगा रिएक्टिविटी। तो
और -2 से लेके +6 तक हो सकता है। रेंज क्या हो सकता है? -2 है तो 0 हो सकता है, +2 हो सकता है, +4 हो सकता है, यही ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। तो एलिमेंट में देखा जाए +2 -2 ये सभी मेन है जो मैंने लिखा, ठीक है, +6। तो अगर देखा जाए स्टेबिलिटी, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? डिक्रीज डाउन द ग्रुप। और स्टेबिलिटी ऑफ +6 डिक्रीज एंड +4 इंक्रीज डाउन द ग्रुप ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है। तो एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप -16, सो -2 +2 +4 एंड +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। नहीं, अगर देखा जाए पॉइंट इसमें जो आएगा स्टेबिलिटी ऑफ -2 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज डाउन द ग्रुप और दूसरा स्टेबिलिटी ऑफ +6 increases group. स्टेबिलिटी ऑफ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? इंक्रीज डाउन द ग्रुप, लोअर ऑक्सीडेशन हो गया, प्लस वाला ग्रुप ड्यू टू किसकी वजह से बताइए? सर ऑर्बिटल बड़े हो रहे हैं तो एक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा. इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से, यही बताया था ना, ये रीजन बताएंगे नीचे वाले के लिए। और यहाँ पे कह सकते हैं स्टेबिलिटी ऑफ +6 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ठीक, ये डिक्रीज क्यों ऑक्सीडेशन होगा? सब बता चुके हैं शुरू में ही। तो +6 का तो इंक्रीज होना अरे चाहिए ना. यार, आप लोग उल्टा ही दिमाग चलता है। अभी बोले कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की इंक्रीज होगी और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का डिक्रीज होगा ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से, पहले भी पढ़ चुके हैं ना, हर ग्रुप में तो यही पैटर्न चलता है। हाँ सर. हर ग्रुप में तो सेम ही पैटर्न चल रहा है ना। अब मैंने ये पहले लिख दिया, ये बाद में लिखा, बस इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। इनर्ट पेयर इफेक्ट पिछले वाले लेक्चर में मैंने लिखाया था क्या होता है, और बोला था कि जानने की जरूरत नहीं है, जब नीचे हमेशा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी क्या होगा? डिक्रीज होगी, और लो ऑक्सीडेशन स्टेट की क्या होगी? इंक्रीज होगी, प्लस इसमें वाले की। क्यों होगा? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, बस इतना याद रखेंगे। सारा क्वेश्चन केवल यही आएगा, फिर क्वेश्चन लगाएंगे जब बाद में देखेंगे, फिर क्वेश्चन लगा भी चुके हैं। रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन, अब फिर दूसरे ग्रुप में वही बात करते हैं तो आप लोग भूल जाते हैं, इसलिए हम ग्रुप वाइज नहीं पढ़ा रहे थे, कॉमन ही पढ़ाए थे सारा। लेकिन इससे क्या हो जाता है, थोड़ा और कॉन्फिडेंस हो जाता है, तो इसलिए मैंने सोचा बता देते। चलिए, रिएक्टिविटी विथ ऑक्सीजन या रिएक्टिविटी विथ हाइड्रोजन भी करेगा, करेगा ना? हाँ हाइड्रोजन करेगा 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 तो बिल्कुल कैसा करेगा. कैसा बनाएगा? मतलब EH2, मतलब H2E. रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन, ढेर सारे एलिमेंट बनेंगे इसमें।
कि इसमें सारे एलिमेंट क्या बनाएंगे, ऑल द एलिमेंट हाइड्राइड बनेगा। हाइड्राइड मतलब कि कौन सा हाइड्राइड बनेगा, H2E यही बनाएगा। तो अगर देखा अब इसमें बहुत सारी चीजें पूछेंगे, जैसे बनाया क्या, H2O बन गया, ठीक है, H2S बन गया, और H2SC बन गया, और H2PE बनेगा, और भी बनेगा, H2PO भी बन जाएगा, ये यही बनेगा ना। तो अब इसमें बहुत सारे करेक्टरिस्टिक है, जैसे क्वेश्चन देखा जाए तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो सबसे पहले करेक्टरिस्टिक हम लेते हैं मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड का, डिक्रीज बता होगा, सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होगा प्रेशर। डिक्रीज होगा, लेकिन किसका सबसे ज्यादा होगा, H2O का हाँ H2O का, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, ठीक है। तो सबसे ज्यादा देखा जाए H2O का, उसके बाद इसका H2S। H2S H2PO का होगा, उसके बाद H2TE का होगा, क्योंकि मास बढ़ा जाते हैं, उसके बाद यस SC का होगा, सबसे कम क्या होगा H2S का, जानते हैं मेल्टिंग पॉइंट धुआं धुआं रहता है। तो याद रखना है कि सबसे कम H2S का होता है। बॉइलिंग पॉइंट बताइए, H2O वो भी H2O का होगा सर। का होगा ड्यू टू हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बॉन्डिंग, ठीक है H2O। उसके बाद वही H2O हमारे ऊपर H2PO होगा, उसके बाद एच टू TE टी हो जाएगा, उसके बाद H2SE H2SC हो जाएगा, उसके बाद सबसे कम H2S H2S। तो सबसे कम वाला याद रखना है और सबसे लार्ज वाला याद रखना है, बीच का हो जाएगा, ठीक। तो ये हो गया। अब एसिडिक करेक्टर की बात करें जाए तो एसिडिक करेक्टर ऑफ हाइड्राइड तो क्या होगा, ऊपर से नीचे इंक्रीज होगा, मतलब हाँ इंक्रीज एच टू पी होगा, होगा सबसे ज्यादा होगा। हाँ इंक्रीज होगा इन द ग्रुप, इंक्रीजेस इन ग्रुप। हाइड्राइड की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम ऑर्डर नहीं लिख रहे हैं, लिख ले गया। उसके बाद एक्सप्लेन कौन करेगा, वही बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की वजह से, नहीं अगर देखा जाए रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी तो कह सकते हैं यहाँ पे ऑल द हाइड्राइड एक्सेप्ट वाटर, ठीक है, रिड्यूसिंग प्रोसेस, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, ठीक।
एंड दिस करेक्टर इंक्रीजेज फ्रॉम, अभी भी एडर के रूप में देगा, इंक्रीज होगा एस टू एस टू एस टू टी ओ या एस टू टी यू टी लिख देते हैं। तो ये तो हाइड्राइड का करेक्टरिस्टिक होगा, हाइड्रोजन से रिएक्टिविटी, ठीक है। और इसमें और भी कर सकते हैं, थर्मल स्टेबिलिटी, ठीक है, एसिडिक करेक्टर तो लिख ही लिए, एसिडिक करेक्टर लिख लेंगे ना, लिख यस सर। दे रहे हैं। ऐसे ठीक है, और थर्मल स्टेबिलिटी भी कर दे। थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगा? थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी ऊपर से नीचे। इंक्रीज होगा क्यों? हाइड्रेशन एनर्जी कम होगी। डिक्रीज होगा यहाँ पे, सबसे ज्यादा एच टू ओ, थर्मल स्टेबिलिटी। मतलब कि जो डिक्रीज इन थर्म, यहाँ पे बॉन्ड थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेज होगा, कहाँ पे एच टू, क्योंकि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ड्यू टू बॉन्ड डिसो स्टेशन एनर्जी डिक्रीजिंग। एनर्जी, ठीक है। रिएक्टिविटी विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन की रिएक्टिविटी, सारे एलिमेंट क्या करेंगे, ऑक्सीजन से ऑक्साइड फॉर्म बनाएंगे। दो टाइप का ऑक्साइड यहाँ पे बनता है, ऑक्साइड टू टाइप का, ऑल दीज एलिमेंट फॉर्म ऑक्साइड, कौन कौन सा है? एक क्या बनाएगा, ईओ टू, और एक क्या बनाएगा, ईओ थ्री, ठीक है। तो इसमें कुछ फेमस ऑक्साइड है, जैसे मान लीजिए सीओ सल्फर डाइऑक्साइड, सिलिनियम डाइऑक्साइड, ये सब, ठीक है। तो इसमें कुछ कर लेते हैं, इम्पोर्टेंट जो है, तो बहुत सारे बनेंगे। तो ओ थ्री भी बन जाता है, ओजोन, और ओजोन भी बनता है एक, ओ थ्री आप जानते हैं, एंड सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एस ओ टू और गैसेस, वाइल कह सकते हैं सेलेनियम डाइऑक्साइड SiO2 क्या होता है, इज सॉलिड, मतलब टॉप टू बॉटम स्टेट का करेक्टर बढ़ता है, आप जानते हैं, मॉलिकुलर मास पे डिपेंड करता है। इसमें दूसरा इम्पोर्टेंट ज्यादा है, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ डाइऑक्साइड क्या होगा, डिक्रीजेस फ्रॉम SO2 टू TeO2, डिक्रीज होगा ना, तो SO2
उसके बाद क्या हो जाएगा SO2 बताइए। फिर SO2 SiO2, फिर उसके बाद TeO2। TeO2, ये डिक्रीज होगा। अब इसमें कह सकते हैं कि SO2 क्या है, ज्यादातर रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करता है, और TeO2 क्या शो करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। PO2 को इंक्लूड नहीं करेंगे आप? करेंगे, ज्यादा दिया नहीं रहता, PO2 मिलता नहीं इसलिए ज्यादा यूज, जो यूज होता है लैब वगैरह उसी के बारे में ज्यादा लिखा रहता है, तो उसे आ जाएगा, उसके पीछे करेक्टर कोई एक्सेप्शन नहीं है, उतना ध्यान रखे। कॉन्सेप्ट पूछेगा तभी देगा, लेकिन जो दिया रहता है ना NCERT में वही पूछता है, उसे एक भी लाइन इधर उधर नहीं होता। ठीक जो है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, मतलब कोई कंपाउंड बनाने के बाद भी डिके करते हैं वो, तो फिर अकेले होंगे तभी करेंगे। वो अलग अलग नेचर पर डिपेंड, डीके तो होगा ही, वैसे तो हर कंपाउंड का डीके होता है, लेकिन उन लोगों का थोड़ा फास्ट होता है। अच्छा अगर देखा जाए तो इसमें सारे रिएक्टिविटी टूवर्ड्स कौन बच गया, आप तो रेडियो एक्टिव डिस्कवर कर रहे हैं क्या? कर लूंगा अगर मिला कोई तो। जब से आए हैं रेडियो एक्टिव रेडियो एक्टिव के बारे में पूछ रहे हैं, चलो फिर कुछ और पूछता छोड़ दीजिए। चलिए, ग्रुप देखे 16 एलिमेंट, अगर देखा जाए बहुत तरह के हाईलाइट बनाएंगे ग्रुप 16 एलिमेंट, 16 एलिमेंट्स फ्रॉम EX6 में EX4 एंड EX2 टाइप 5 हैलाइड बनाते हैं ना, सब फेमस है, जैसे हाइब्रिडाइजेशन वगैरह सारे ज्यादा फेमस है, तो अगर यहाँ पे न लिखा जाए तब भी चल जाएगा। जैसे अमंग आप SO4 के बारे में जानते हैं, तो क्या है, गैसियस है, कुछ के SCF4 हो जाएगा तो लिक्विड हो जाएगा। यही देखा जाए टी वाला अगर आ जाए, टी वाला तो क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा, नहीं टॉप टू बॉटम स्टेट क्या बढ़ता है, तो TeF4 आ जाए तो सॉलिड हो जाएगा। तो इस तरह से अपना थोड़ा पढ़े रहेंगे निकाल लेंगे। इसमें देखा जाए तो ये सब का SC4 वाले का ये सब का बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा बताइए निकाल के, SP3D आएगा, और इसका शेप जो होता है ज्योमेट्री, ज्योमेट्री कितना होता है, एक सेकेंड सी सर, एक सा सेकेंड, होता एक सेकेंड क्वेश्चन। ट्राइगोनल बाइपिरामिड। है, नहीं इसमें डिस्टोरेटेड हो जाता है, और उसका नाम रहता है सी सा शेप। ये गलत चीज है केमिस्ट्री के बारे में। हाँ नहीं ये पढ़ चुके हैं यार, ये बहुत सर, मुझे फेमस पता है है, आपने पढ़ा हुआ है, पर ये गलत बात है हमने नहीं पढ़ा है, आप पढ़े हैं, हम कहाँ पढ़े हैं। सर, आपने तो पढ़ाया है। अच्छा हाँ लेकिन ये याद रखना चाहिए ना, मतलब कि ये तो इसीलिए मैं लिख रहा हूँ कि याद रहे सारे के बारे, बाकी तो आप यहाँ पे निकाल सकते हैं, जैसे S2 F2 का अपने इसका निकाल लीजिए, शेप ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन डायमेरिक फॉर्म है, ये सब में नहीं दिक्कत है कोई। तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर भी आएगा इसमें, जिसमें डाई हैलाइड आएगा, ठीक है, तो H2 तो ही जैसे लोन पेयर के वजह से 2.5 लोन पेयर डिग्री का के फर्क आता है, उससे कुछ शेप भी बदल जाती है।
हाँ बदलने जाती है, और लोन लोन पे रिपल्सन वही तो सिमिलर बेस्ट तो होती है उससे पुराने वाले से, अगर नहीं होता बेस्ट लोन फिर। पर थियरी लगेगा ना। यहाँ पे वो देखा तो जाए समझ तो गया मैं पर। केमिकल बॉन्डिंग में डाइमेरिक हैलाइड अंडरगो डिसप्रोपोर्शनेशन। डिसप्रोपोर्शनेशन जानते हैं? ये हाँ भी नहीं है क्या होता उसका वो था रिएक्शन तो होती। ये आप लोग यही भूल जाते हैं, जब जो पढ़िए वही याद रखते हैं। डिसप्रोपोर्शनेशन वो होता है एक ही एलिमेंट का अगर हाँ अगर बहुत ऑक्सीजन, सारे टूट जाए। बहुत सारे नहीं टूट जाए, पूरा सुन लिया करिए, एक ही एलिमेंट का अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा तो डिसप्रोपोर्शनेशन बोला जाता है, जैसे कैमेजारो रिएक्शन डिसप्रोपोर्शनेशन है। ठीक है, तो यहाँ एक ही, पे अच्छा एक ही रिएक्शन डायरेक्ट होगा एक ही उसका। एक ही का ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक ही का रिडक्शन और डिसप्रोपोर्शनेशन होगा। कितनी बार पढ़ चुके हैं, ऑक्सीडेशन हो रहा है रिडक्शन हो रहा है। वैसे जो ऊपर लिखा है वो भी है, निकाल के देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन है, H2S इज लेस एसिडिक। थोड़ा गैप लेने के लिए हम ये लिख रहे हैं, आप लोग सोचिए। देन H2TE Y, NCERT का इंडेक्स का क्वेश्चन है। H2S लेस एसिडिक देन H2TE Y, अभी पढ़े हैं। क्योंकि बॉन्ड एनर्जी ज्यादा रखती है H2S में और इसकी कम होगी ये बॉन्ड एसोसिएशन भी एनर्जी। डिक्रीज इन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। डाउन द ग्रुप इन एसिडिक करेक्टर क्या हो जाएगा? ग्रीस अब यहाँ पे भी वही चीज, लास्ट में एक ग्रुप खत्म हो गया, एनोमलस बिहेवियर। वो भी ऑक्सीजन करेगा। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ग्रुप ऑक्सीजन, क्यों? इट इज ड्यू टू, कितनी बार लिख चुके बताइए, स्मॉलर साइज। स्मॉलर साइज होगा एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉनिक हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, एब्सेंट डी ऑर्बिटल। ये हो गया, ठीक है। इसके बहुत सारे कुछ एनोमिलस के बहुत करेक्टरिस्टिक नहीं है, ठीक है, कोई बहुत ज्यादा लिखना हो कुछ ढूंढ के लिख सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा प्रॉपर्टी ज्यादा नहीं है तो हम नहीं लिखते हैं इसके बारे में ज्यादा, ठीक है। अब इसके बाद कौन सा आ जाएगा? ये
बाद ग्रुप 17 हैलोजन्स। ग्रुप 17 आ जाएगा। ग्रुप 17 को क्या बोलेंगे, हेलोजन क्यों बोलते हैं? ये नहीं पता। क्योंकि उसके मैक्सिमम एलिमेंट कहाँ पे मिलते हैं, ओशन में मिलते हैं, ओशन में मिलते हैं, और क्या सब ओशन समुद्र में मिलते हैं ज्यादातर, सॉल्ट फॉर्म में मिलते हैं यार हेलोजन का क्या हेलोजन। होता है वैसे? हेलोजन का वैसे मतलब क्या हुआ? अरे आप अंग्रेजी हमसे जानते जानते हैं, सर ये ऐसे थोड़ा जानता हूँ। बताइए। देयर अच्छा लेट्स सॉल्ट, हम तो केमिस्ट्री वाला जानते हैं, सॉल्ट आर प्रेजेंट इन सी वाटर। हेलोजन का मतलब दिखा रहा है सॉल्ट प्रोड्यूसर। अच्छा हाँ वही होता है, वही हम बोल रहे हैं ना, अंग्रेजी ज्यादा जानते हैं। ठीक है, सी वाटर में मिलेगा तो ठीक है, तो इसीलिए मतलब हेलोजन बोला जाता है, साल्ट के फॉर्म में रहता है। ठीक, चलिए मेंबर बताइए। मेंबर्स हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन और एट्रियम। नहीं, एटी से जो था वो भूल गया। वो भूल कैसे जाते हैं यार, क्या एटी सिंबल याद है, वो था? भूल गया मैं क्या था। फ्लोरीन सीएल हो गया, एटी हो गया, बी बी आर आई आई ए डी एस्टेटिन, और लास्ट में कौन आ जाएगा? लास्ट में टीएस आता है। टीएस 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 का नाम नाम टेनी क्या है, क्या नाम है भाई? तो ही। अरे सर पूरा नाम नहीं है। पूरा नाम टेन आपका तो अधूरा नाम थोड़ी कोई बोलेगा यार। साइन ऐसा कुछ नाम है ना, टेनी साइन ऐसा हो, हाँ टेनी बोलिए। हाँ टेनी साइन टेनिस है, 117 होता है। किसने रखा था नाम? अरे अरे शिव से जानकारी ले रहे हैं भाई। अरे सर साइन टेनिस हाँ ये तो टेनिस साइन किसने रखा था यार? साइन ने, टेनिस नहीं साइन नहीं रखा था। सही में मतलब मजाक नहीं कर रहे, सीरियसली पूछ रहे हैं, टेनिस साइन नेम कहाँ से आया था? 17 देने साइन ना। हाँ नहीं सर, टेनिस साइन शायद किसी का नाम ही था। अब उनसे नाम भी रखे हैं ना सारे जो रेडियो एक्टिव आर्टिफिशियल एलिमेंट हैं। मतलब एक ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट वगैरह, पता नहीं क्या नेम कैसा हो गया, कोई पता नहीं। टेनिस मीनिंग मतलब क्या होता टेनिशियम, मीनिंग, एक तो टेनिसियम का टेनिशियम। दूसरा दूसरा हो गया, कोई नाम पता नहीं क्यों रखती है इनको, कोई और तो नाम मिल नहीं रहा था। चलिए 117 होगा ठीक है इस ग्रुप में, समझ रहे हैं? हाँ वन तो सेवन थी एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? 294 हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा बढ़ रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा लिख लेंगे। चलिए, और ये सब कहाँ पे मिलते हैं? समुद्री पानी में मिलते हैं, सी वाटर में। और एस्टेंटीन रेडियो एक्टिव है,
अनस्टेबल होता है, ये दोनों कह सकते हैं रेडियो एक्टिव है। टेनिसिन जो था वो जगह का नाम है, वहां पर डिस्कवर हुआ अच्छा था ये। अच्छा ये दोनों रेडियो एक्टिव है और आर्टिफिशियल मतलब सिंथेटिक है दोनों। डिस्कवर हुआ था, बनाया गया था, लैब है। हाँ मतलब बनाया गया था, मतलब हमारा रिसर्च सेंटर था उनका स्टेट पे। वही तो मिलेगा तो है नहीं। हाँ वही मैंने वही कह रहा, सॉरी। चलिए, बाकी तो इसमें कोई वैसा नहीं है, फ्लोरीन वगैरह तो जान ही रहे हैं ये दोनों, अगर देखा जाए गैस होते हैं। ब्रोमीन क्या बेचारा लिक्विड है, और इधर सारे नीचे वाले सॉलिड हो जाएंगे। नहीं सॉरी, चलिए एटॉमिक रेडियाई हम ग्रेड कोई इंक्रीज कोई हो भी नहीं चले, जाते रहते हैं। एक्सेप्शन नहीं होगा यहाँ पर, लेकिन देखा जाए जीरो ग्रुप से कम होगा इसकी। कौन सा वंडर वाल रेडियाई, तो एटॉमिक आयनिक रेडियाई क्या होगा, इंक्रीजेज डाउन। होगा और वंडर वॉल देखा जाए रेडिएट होगा। मतलब स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियाई रिस्पेक्टिव पीरियड में होगा कि नहीं। अब नोबल गैसेस का तो सबसे ज्यादा होता है ना पीरियड के अंदर, सबसे ज्यादा नहीं होगा, पता नहीं कहाँ आपने से तो बताया था। आप। हाँ हम ही सारा गलत चीज बताएंगे ना। अरे नहीं, सबसे ज्यादा नहीं होता है, केवल हेलोजन से बढ़ जाता है ड्यू टू वंडर वाल रेडियाई से इन देयर वो रिस्पेक्टिव। लिस्ट थी शायद, देख लीजिएगा, मैं वैसे नहीं कह रहा आप तो। नहीं मतलब आप सर आपको सबसे पता नहीं क्यों ऐसा ज्यादा, लगता है मैं आरोप लगा रहा हूँ आपसे। अरे नहीं आरोप नहीं लगा रहे हैं, सही बोले, लेकिन आप मतलब कि केवल वंडर बाल रेडियाई की वजह से, क्योंकि जीरो ग्रुप में वंडर बाल रेडियाई केवल आएगा, समझ रहे हैं, तो इसलिए बढ़ जाता है। जैसे हम लोग ये पूरा तो लगा, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, नियॉन हो जाएगा। नहीं आना तो चाहिए। मैंने ऐसे बताया था, ये हो गया डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज अब यहाँ पे लगा दिया, तो सबसे ज्यादा तो मैंने बताया नहीं। अच्छा हाँ, और ये मैंने तब क्यों, ये क्यों उसका उसका बताया उसका कुछ कि था ना, पोटेशियम का कुछ था कि नियॉन का ड्यू उसका ज्यादा होगा। ड्यू टू वंडर वाल रेडियाई, तो के आर केवल का नहीं वंडर था, वाल के आर का रेडियाई सबसे ज्यादा नहीं था उस वाले ग्रुप में, थर्ड पीरियड में। क्या के आर का सर, थर्ड क्या पीरियड में कुछ वो एक्सेप्शन नहीं था कि पोटेशियम का कम होगा और उसका ज्यादा था के आर का। तो कहाँ पे, अभी तो ये वाला पहले सीख लीजिए, तो के आर मिलेगा तो बताइएगा। तो यहाँ पे वंडर बाल रेडियाई, क्योंकि वंडर बाल रेडियाई में वंडर बाल रेडियाई सबसे लार्जर होता है, उसके बाद कोवलेंट आयनिक रेडियाई होता है, उसके बाद कोवलेंट रेडियाई होता है, इसलिए। चलिए तो वो तो बता दो, वो सी बता रहा था ना मैं, पोटेशियम वाला। सर अब आप पढ़िएगा तो बताइएगा। वो पीडीएफ बहुत बढ़िया है, मिलता नहीं है, कुछ ढूंढने जाता हूँ तो। आपको नहीं मिलता है तब याद कैसे रहेगा, बताइए। वो पता नहीं ना कौन से पेज पे है। आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी बताइए। आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होगी वो ऊपर से नीचे कम होगी। हाँ अगर देखा जाए इधर तो हाई होगा, क्योंकि स्मॉलर साइज आ रहा है, ठीक है, लेकिन टॉप टू टॉप बाउंड क्या होगा, डिक्रीज होगा, इन ग्रुप क्या होगा, डिक्रीजेस होगा, ठीक।
इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन की एन्थैल्पी बढ़ेगा। अच्छा अगर देखा जाए हाइड्रोजन मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रखेगा, लेकिन अगर देखा जाए तो क्लोरीन की सबसे ज्यादा होगी, क्लोरीन की कम हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, ब्रोमीन आ जाएगा, फिर अच्छा आयोडीन आ जाएगा, फिर एस्टेंटेनियम आ जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे फ्लोरीन क्या है, ड्यू टू हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्यों हायर आता है, ड्यू टू स्मॉलर साइज। तो मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट कौन है, क्लोरीन है पूरे पीरियाडिक टेबल। मैक्सिमम या हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट कह मिल गया मैंने भेजा है आपको। सकते हैं, हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। अरे सॉरी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। हाँ नेगेटिविटी तो उसके ज्यादा होगी फिर इनकी। चलिए तो वो इस देखना समय मैंने ग्रुप थर्ड का ज्यादा होगा। क्या भेजा, क्या नहीं समझ में आ रहा। मैंने व्हाट्सएप किया। हाँ एक मिनट। हेलो जी। हाँ, हेलो। यस सर देखा देखा आपने जो अभी क्या मैंने भेजा था आपको? चीज, क्या दिक्कत है इसमें। इसमें आपने लिखा है ना कि जनरली एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड बट इनर्ट गैसेस आर बिगर। अच्छा तो इसको पढ़ के नहीं समझ में आ रहा है। सर मैंने भी कहा था ना कि उनका साइज सबसे ज्यादा होता है इनर्ट गैसेस का, तो आपने कहा कि ये गलत है। आप, मैं यहाँ पे पूछ रहा है, यहाँ पे कहाँ पे एक्सेप्शन लिखा है बताइए। अच्छा, मैं तो इसका बोल रहा था मैं इनर्ट गैसेस का। फिर यार मतलब इनर्ट गैस का कहाँ सबसे ज्यादा लिखा है। सर आप देखो तो मैंने स्क्रीनशॉट भेजा है आपको। सर किस चीज में, एक अक्रॉस द पीरियड की बात कर रहा हूँ मैं, ग्रुप की नहीं। कहाँ पे लिखा बीच में जनरली एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस बट इनर्ट गैसेस आर है। लार्जर। सर यही तो कहा था। वंडरवाल, हाँ वंडरवाल अच्छा मैंने ये कहा था ना कि इनर्ट गैस ज्यादा होती है उसमें पीरियड में, तो आपने मना कर दिया था अभी अभी। सर रेडियो। हाँ, आपने यहाँ लिखा तो है कि इनर्ट गैसेस की ज्यादा होती है। पीरियड एस और पी ब्लॉक में जनरली एटॉमिक रेडियस वंडरवाल रेडियस की वजह से बड़ा हो जाता है ना। नहीं सर आपने लिखा कि इनर्ट गैस का सबसे ज्यादा बड़ा होता है, ऐसा यही तो कहा था मैंने।
क्यों होता है वो भी तो लिखा है, वही तो मैं भी बोल रहा हूँ। नहीं नहीं सर, वो तो सही लिखा है। मैं कह रहा हूँ कि जब मैंने कहा था कि यूनिट बेसिस और पीरियड में ज्यादा बड़ा होगा रेडियस, तो आपने मना किया था ना, ऐसे नहीं होता। अभी अभी चलो ठीक है सर, कोई नहीं। वंडरवाल रेडियाई ज्यादा होता है ना उसका, हाँ हाँ इसलिए हाँ समझ रहे। अगर मान लीजिए सर, हम जैसे ऐसा, यहाँ पे जो आपने इससे नीचे लिखा है, नहीं ऊपर, जैसे यहाँ पे जो ऑर्डर लिखा था कि नियॉन का फ्लोरीन से ही ज्यादा होगा, पर उसमें आपने लिखा था कि ओवरऑल रेडियाई नियॉन का ज्यादा होगा। हाँ, ओवरऑल ओवरऑल सही है, वंडरवाल रेडियाई क्योंकि बहुत लार्जर होता है भाई। हाँ, क्योंकि वैंडरवाल तो वो होता है ना, बीच में जगह आ जाती है दोनों के बीच। हाँ, काफी जगह आ जाती है ना, तो इसलिए वहां पे लिखा है कि वंडरवाल रेडियाई ज्यादा होगी। हाँ लेकिन ज्यादातर आपको इस तरह से मतलब ये भी, ये जो लिखा है ये भी सही है, क्योंकि ये तो बता रहा है ना ज्यादा है। ज्यादातर क्वेश्चन ये मिलता है आपको, क्योंकि जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर, वंडरवर्ल्ड रेडियाई कॉलम एलिमेंट, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, नियॉन। अब बताइए एक क्वेश्चन का वैंडरवाल आंसर। रेडियो अब तो एनी का ज्यादा होगा एफी से। हाँ आप बताइए ऑर्डर क्या होगा। लेफ्ट से राइट इंक्रीज हो। लेफ्ट से राइट इंक्रीज होगा ना। क्या है यार, नहीं ये सर, बोल डिक्रीज रहा होगा, है डिक्रीज होगा, डिक्रीज। ये कंटिन्यूअसली अब डिक्रीज होगा, अब एक्सेप्शन नहीं आएगा, क्योंकि हम ये बोल दिए कि सब वंडरवाल रेडियाई हैं, यही तो बात वहां पे समझाए थे। ये सारे अब वंडरवाल रेडियाई बोल दिया कि सारे को वंडरवाल रेडियाई मानिए, तो रेडियाई तो डिक्रीज ही होता है ना। अब नियॉन में केवल मतलब जीरो ग्रुप में केवल वंडरवाल रेडियाई आता है, बाकी आयनिक और कोवेलेंट नहीं आता है, ठीक है। इसलिए आपको वहां पे लार्जर देखने के लिए मिल जाता है। अच्छा ठीक। एक क्वेश्चन भी आया हुआ है जो ये एडवांस में, ये सेम